नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। आज मेरी कविता शिक्षक के ऊपर, मेरी आज की कविता मेरे सभी शिक्षकों, मेरे सभी गुरुओं को समर्पित है। क्या आप जानते हैं हमारे भारत की सबसे प्रथम शिक्षक कौन है? बहुत ही कम लोगों को शायद ये मालूम होगा कि शिक्षक हमारे सर्वप्रथम कौन सी शिक्षक हैं। सर्वप्रथम शिक्षक को दर्जा किसे दिया जाता है? आज की मेरी कविता शिक्षक को व्याख्या करती हुई, शिक्षक की निजी जीवन से लेकर छात्रों तक के जीवन को व्याख्या करती हुई मेरी कविता है। एक एक लाइन को सुनिए, कविता बड़ी भी हो सकती है लेकिन मेरे एक एक शब्दों को आप जरूर गौर कीजिए, यही आपसे आशा और अपेक्षा है। पहले तो हम बात करते हैं कि शिक्षक कौन है। शिक्षक मत पूछिए कि शिक्षक कौन है, आपके प्रश्न का सटीक उत्तर आपका मौन है। शिक्षक न पद है, न पेशा है, न व्यवसाय है, ना ही गृहस्थी चलाने वाली कोई आय है। मत पूछिए कि शिक्षक कौन है, आपके प्रश्न का सटीक उत्तर आपका मौन है। बहुत ही कम लोगों को मालूम होगा कि हमारे देश की प्रथम शिक्षिका जो थी वो थी श्रीमती ज्योतिबा बाई फुले। ये फोटो है उनकी, बहुत कम ही लोग जानते हैं। भारत की पहली महिला शिक्षक, लड़कियों को पढ़ाने पर मारे गए थे पत्थर। जब इन्होंने स्कूल खोला तो इनको पत्थर मारे गए थे, इनको इनके घर से निकाल दिया गया था। इनके बारे में आज के युवक और नए युवक शिक्षक बहुत ही कम जानते हैं। यह वह महिला थी जिन्होंने भारत की लड़कियों की शिक्षा पर जोर दिया, इनके हक के लिए लड़ाइयाँ लड़ी। लड़कियों को पढ़ाने पर उन्हें गोबर और पत्थर फेंक कर मारा जाता था, इसके बावजूद भी उन्होंने पढ़ाना नहीं छोड़ा था। सलाम है ऐसी शिक्षिका को, नमस्कार है मेरा, बारंबार प्रणाम है ऐसी शिक्षिका को। 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र में जन्मी थी सावित्रीबाई फुले, उन्हें भारत की सबसे पहली महिला शिक्षक कहा जाता है। महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ने वाली सावित्रीबाई का विवाह 9 वर्ष की आयु में 12 वर्ष के ज्योतिराव से फुले से हुआ था। पति ने दिया था शिक्षा प्राप्त करने में साथ, घर वालों ने इनको निकाल दिया था, इसके बावजूद भी इनके पति ने इनको साथ दिया था। तब मेरी कविता व्याख्या करती है शिक्षक के ऊपर कि मत पूछिए शिक्षक कौन है, आपके प्रश्न का सटीक उत्तर आपका मौन है। शिक्षक ना पद है, ना पेशा है, ना व्यवसाय है, ना ही गृहस्थी चलाने वाली कोई आय है। शिक्षक सभी धर्मों से ऊंचा धर्म है, गीता में उपदेशित माँ फलेशु वाला कर्म है। शिक्षक एक प्रवाह है, मंजिल नहीं राह है। शिक्षक पवित्र है, महक फैलाने वाला इत्र है। शिक्षक स्वयं जिज्ञासा है, खुद कुआँ है पर प्यासा है, खुद कुआँ है पर प्यासा है। वह डालता है चांद सितारों तक को तुम्हारी झोली में, वह बोलता है बिल्कुल तुम्हारी बोली में। शिक्षक जिस भाषा में तुम बोलते हो उसी भाषा में तुम्हें जवाब देता है। सावित्रीबाई फुले की इतना विरोध करने के बावजूद भी उनके पति ने उनका साथ दिया। सावित्रीबाई जब खेत में काम कर रहे पति ज्योतिराव को खाना देने जाती थी तब उन्हें वह पढ़ाया करते थे। परिवार व समाज के विरोध के बावजूद उन्होंने सावित्रीबाई को स्कूल में दाखिला दिलवाया। उन्होंने अध्यापक प्रशिक्षण संस्थान में भी प्रशिक्षण प्राप्त किया। चाणक्य जो हमारे महान गुरुओं में से एक कहते हैं, दूसरों की गलतियों से सीखें, अपनी ही गलती पर प्रयोग करके सीखोगे तो तुम्हारी ज़िंदगी तुम्हारे लिए कम पड़ जाएगी। तब मेरी कविता आगे व्याख्या करती हुई, शिक्षक स्वयं जिज्ञासा है, खुद कुआ है पर प्यासा है। वह डालता है चांद सितारों तक को तुम्हारी झोली में, वह बोलता है बिल्कुल तुम्हारी बोली में। वह कभी मित्र है, कभी माँ तो कभी पिता का हाथ है, साथ न रहते हुए भी ता उम्र का साथ है। वह नायक खलनायक तो कभी विदूषक बन जाता है, तुम्हारे लिए न जाने कितने मुखौटे लगाता है। इतने मुखौटों के बाद भी वह स्वभाव, क्योंकि यही तो उसका सहज स्वभाव है। शिक्षक कबीर के गोविंद से बहुत ऊंचा है, कहो भला कौन उस तक पहुंचा है। कबीरदास जी ने कहा है कि शिक्षक से बड़ा कोई है ही नहीं, वह न वृक्ष है, न पत्तियां हैं, न फल है, केवल वह और केवल खाद है। वह खाद बनकर हजारों को पनपाता है और खुद मिटकर उन सब में लहराता है। कबीरदास जी की एक दोहा पंक्ति व्याख्या करती हुई कि
गुरु गोविंद दो खड़े काके लागे पाँव। तो फिर दूसरी लाइन में कहा गया है, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। इसका आशय है कि गुरु और गोविंद मेरे सामने दोनों लोग खड़े हुए हैं। गुरु यानी कि मेरे शिक्षक। गुरु शब्द का अर्थ होता है गु मीन्स होता है ज्ञान देना, रू मीन्स इंद्रियों का, जो इंद्रियों का ज्ञान कराए वो कहलाता है गुरु। गुरु गोविंद दो खड़े, गोविंद यानी कि भगवान। गुरु और गोविंद मेरे सामने दोनों खड़े हुए हैं, मैं सबसे पहले किसके पैर छूँ, किसके दर्शन करूँ, किसका आशीर्वाद लूँ। तो कहा गया है कि गोविंद के बारे में जिसने बताया वह गुरु है, तो सबसे बड़ा गुरु हुआ अर्थात गुरु। गुरु के पहले ही चरण स्पर्श करने चाहिए। वह न वृक्ष है, न पत्तियां हैं, न फल है, वह केवल खाद है। वह खाद बनकर हजारों को पनपाता है और खुद मिटकर उन सब में लहराता है। शिक्षक शिक्षक एक विचार है, दर्पण है, संस्कार है। शिक्षक न दीपक है, न बाती है, न रोशनी है। वह स्निग्ध प्यार भरे तेल में, क्योंकि उसी पर दीपक का सारा खेल है। शिक्षक तुम हो, तुम्हारे भीतर की प्रत्येक अभिव्यक्ति है। कैसे कह सकते हो कि वह केवल एक व्यक्ति है? शिक्षक एक साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता। शिक्षक खुद अपने लिए कुछ करे ना करे, पर सड़क से उठा करके तुमको तुम्हारे मार्ग पर चलाना सिखाता है, वह शिक्षक है। शिक्षक चालक संदीपनी तो कवि विश्वामित्र है। गुरु और शिष्य प्रवाही परंपरा का चित्र है। शिक्षक भाषा का मर्म है, अपने शिष्यों के लिए वर्म है। साक्षी और साक्ष्य है, चिर अन्वेषित लक्ष्य है। शिक्षक अनुभूत सत्य है, स्वयं एक तत्व है, स्वयं एक तत्व है। मत पूछो शिक्षक कौन है। शिक्षक ऊसर को उर्वरा करने की हिम्मत है। स्वयं की आहुतियों के द्वारा पर के विकास की कीमत है। वह इंद्रधनुष है, जिसमें कभी रंग है, कभी सागर है, कभी तरंग है। मत पूछिए शिक्षक कौन है। ज्योतिबा बाई फुले के बारे में मैं आपसे वर्णन कर रहा था। उन्होंने साल 1848 में पुणे में बालिका विद्यालय की स्थापना की। इस स्कूल में सावित्रीबाई फुले प्रिंसिपल के साथ ही शिक्षिका भी बनी। इस तरह वह भारत की पहली महिला शिक्षक बनी। कहा जाता है कि सावित्रीबाई फुले जब स्कूल में पढ़ाने जाती थी तो उन पर गोबर और पत्थर फेंके जाते थे। हालांकि इससे प्रभावित हुए बिना उन्होंने लड़कियों को शिक्षा पर काम करना पढ़ना जारी रखा। उनका निधन प्लेग की चपेट में आकर निधन हो गया था। एक बहुत ही खतरनाक बीमारी थी। 1857 में पुणे में प्लेग फैल गया। इस महामारी के मरीजों की सेवा करने के लिए दंपति ने एक क्लिनिक खोला। यहाँ पर वह खुद मरीजों की सेवा करती थी। दूर रहने वाले प्रभावित लोगों को वह लेकर भी आती थी। इस दौरान वह खुद प्लेग की चपेट में आ गई। जिस तरीके से आज कोरोना महामारी फैली हुई है, हमारे डॉक्टर्स, हमारे कोरोना वॉरियर्स देश की सुरक्षा कर रहे हैं, उनको मेरा सत्सत नमन, सत्सत प्रणाम। इस प्रकार से उस समय प्लेग की बहुत भयंकर बीमारी फैली हुई थी और दूसरों की सेवा करते 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 वो देश की सेवा में समर्पित हो गई थी। उनको मेरा सत्सत बारंबार प्रणाम। उनकी हालत तेजी से बिगड़ी और 10 मार्च 1897 को उनका निधन हो गया। क्या आप जानते हैं शिक्षक दिवस क्यों मनाया जाता है, किसकी याद में मनाया जाता है? आप प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाते हैं। आप जानते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन कौन थे? जानते तो हैं पर बहुत कम लोग जानते हैं। आज के युवाओं को जानना ये बहुत ही ज़रूरी है। इंद्रधनुष है शिक्षक, जिसमें सभी रंग हैं, कभी सागर है, कभी तरंग है। वह रोज छोटे छोटे सपनों से मिलता है, मानो उनके बहाने स्वयं खिलता है। वह राष्ट्रपति होकर भी पहले शिक्षक होने का गौरव है। राष्ट्रपति कौन? राष्ट्रपति उसी राष्ट्रपति जी की मैं बात कर रहा हूँ जिसकी फोटो आप देख रहे हैं, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो हमारे देश के द्वितीय राष्ट्रपति और प्रथम उपराष्ट्रपति थे, जिनके जन्म दिवस पर उनकी याद में शिक्षक दिवस मनाया जाता है। वो पहले शिक्षक थे, बाद में उपराष्ट्रपति और फिर बाद में राष्ट्रपति बने। तुम व्याख्या करती मेरी लाइन, वह राष्ट्रपति होकर भी पहले शिक्षक होने का गौरव है। वह पुष्प का बाह्य सौंदर्य नहीं, कभी न बिटने वाला सौरभ है। वह भोजन पकाता है, झाड़ू निकालता है, दूध और फल लाता है, इसके बावजूद अपनी मुख्य भूमिका को बखूबी निभाता है। बदलते परिवेश की आंधियों में अपनी उड़ान को जिंदा रखने वाली पतंग है। अनगढ़ और बिखरे विचारों के दौर में मात्राओं के दायरे में बद्ध भावों को अभिव्यक्त करने वाला छंद है।
हाँ अगर ढूंढोगे तो उसमें सैकड़ों कमियां नजर आएंगी, सैकड़ों, तुम्हारे आसपास जैसी कोई सूरत नजर नहीं आएगी। लेकिन यकीन मानो, जब वह अपनी भूमिका में होता है, जब वह अपनी भूमिका में होता है, तब जमीन का होकर भी वह आसमान सा होता है। अगर चाहते हो उसे जानना, ठीक ठीक पहचानना, तो सारे पूर्वाग्रहों को मिट्टी में गाड़ दो। पूर्वाग्रह, पूर्वाग्रह शब्द का मतलब पुरानी अवधारणाओं को। अपनी आस्तीन पे लगी अहम की रेत झाड़ दो। फाड़ दो वो पन्ने जिनमें बेतुकी शिकायतें हैं, उखाड़ दो वो जड़ें जिनमें छुपे निजी फायदे हैं। फिर वह धीरे धीरे स्वतः समझ आने लगेगा, अपने सत्य स्वरूप के साथ तुम में समाने लगेगा। मेरे सारे शिक्षकों को समर्पित आज की मेरी कविता और मेरे सभी गुरुओं को बारंबार प्रणाम, सत सत नमन। धन्यवाद साथियों मेरी पूरी कविता सुनने के लिए। यदि आपको मेरी कविता पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और लाइक करिए, ताकि मुझे उत्साह मिले और ऐसी ही कविता मैं करता रहूँ। आप सभी लोगों के आशीर्वाद की मैं कामना करता हूँ। धन्यवाद मेरे साथियों।